कैसे हैं सारे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। अभी ब्लॉगिंग शुरू की है, टाइम हो रहा है 8:15, जैसे कि मेरी घड़ी आगे रहती है थोड़ी सी, तो 8:20 का टाइम हो रहा है और मौसम बाहर बहुत बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए। तो ये देखिए लगातार 3-4 दिन हो गए बारिश होते हुए, इसी तरह का हाल है। और बच्चे मॉर्निंग वाले बैच के जा चुके हैं, मैं यहाँ से देख रही हूँ कि गेट खुला करके जा रखे, तो गेट खोल के गए, तो मैं इसे बंद कर देती हूँ। मेरा बड़ा वाला अम्ब्रेला भी ना इसमें रह गया है, हम लोग बाहर गए थे तो बड़ा वाला अम्ब्रेला गाड़ी में ही रह गया है, छोटे वाले अम्ब्रेले में इतना कवर नहीं होता है। वो गेट ओपन करके गए हैं बच्चे, अभी फिर कुछ डॉगी वॉगी कुछ घुस जाता है ऐसा ना, लीजिए बंद कर देते हैं इसको और हम चलते हैं वापस। पानी ही पानी जहाँ तहाँ, देखिए काम शुरू कर लेती हूँ मैं, पहले लाइट्स ऑफ कर देते हैं, अभी अंदर से झाड़ू निकालेंगे और इसके बाद फिर मैं पूजा करने जाऊँगी। आज पूजा लेट हो गई क्योंकि ये लोग स्कूल नहीं गए हैं, तो फिर मेरा भी काम लेट ही हो जाता है। तो यहाँ से झाड़ू शुरू करती हूँ और मशीन लगा रखा है साथ में। सुबह तो एक बार झाड़ू लग ही जाता है ऐसे ही, यूं ही मतलब सगुन के लिए जैसे लगा देते हैं सुबह सुबह, उसके बाद फाइनल झाड़ू मैं इस टाइम पे लगाती हूँ जब ये लोग स्कूल चले जाते हैं। लेकिन अभी सिया की छुट्टी है और यहाँ पे लग गई है मेरी मशीन, और मशीन को भी आज मैंने साफ़ करना है क्योंकि मशीन भी थोड़ी सी गंदी हो रखी है, तो इसको साफ़ कर लूँगी। और आजकल मैं रोज़ ही कपड़े धो रही हूँ क्योंकि अगर कपड़े एक दिन में नहीं धोएंगे तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और वैसे भी डेली कपड़े धोने की आदत लगानी चाहिए, ये नहीं कि आज कपड़े धो लिए कहीं नहीं धोए। और काम हो चुका है मेरा ख़त्म और अब मैं चली गई हूँ नहाने के लिए, और आ गई मैं नहा के और अब जाएंगे हम पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामान मंगा रखा था पूजा का, उसको लेके जा रही हूँ ऊपर, और हो गए हैं यहाँ पे बर्तन धो के मैंने तैयार कर दिए हैं, फूल चढ़ा दिए भगवान को, और मैं यहाँ पे शुरू कर चुकी पूजा। तो पूजा पाठ ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को डेली करनी चाहिए, कई औरतों को कई लेडीज़ को मैंने देखा है, देखिए सब ऐसे नहीं होते लेकिन कुछ होते जो नहीं करते हैं। देखिए पूजा तो सबको ही करनी चाहिए। ये पूजा मेरी संपन्न हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ तुलसी जी माता में जो है जल चढ़ाने के लिए, और मैं एक बार आपको दिखा दूँ यहाँ पे मौसम कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए सामने मसूरी की पहाड़े, जो मसूरी के पहाड़ है कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, बादल पूरा बादल बादलों से ढक गए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। और बारिश जो है आज चौथा दिन है, मतलब 4th डे है, लगातार हो रही है, और इस समय पौधे देखिए कितने सुंदर हो जाते हैं। पूजा करके आ गई हूँ मैं नीचे, और अब मैंने जो है ये आलू बॉईल कर लिए हैं अभी, और उसके बाद ये आज मक्खन भी निकाल के रखा हुआ है, मतलब मलाई भी निकाल के रखी है, इसकी मक्खन निकालना है, फिर घी बनाएंगे, थोड़ा सा मक्खन निकालेंगे थोड़ा सा घी बना लेंगे। और यहाँ पे बन रही है मेरी चाय, अब मैं पूजा करने के बाद चाय पीने का दिल करता है तो चाय पीऊँगी, साथ में ये आलू छीलूँगी और बनेगा ब्रेकफास्ट अब गर्म गर्म। तो चाय का एक अपना ही आनंद होता है, आप कितना भी चाय कॉफ़ी पी लीजिए लेकिन चाय का आनंद अलग ही होता है। और यहाँ पे मैं चाय लेके बैठी हूँ ममता दीदी के साथ, बातें कर रही हूँ। ममता दीदी कौन है आप सभी जानते हैं, ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, अब तो सब जानते हैं। और ये अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर आलू पराठे के लिए, ये आलू का मिक्सर तैयार कर रही हूँ, और इसमें ना मैंने थोड़ा सा, मम्मी लोग जब ये गुजरात गए थे अभी तो लेके आए थे लहसुन और मिर्च की चटनी लेके आए थे, तो वो भी मतलब ड्राई चटनी है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा था उससे ना। और यहाँ पे मैंने जो है बनाने स्टार्ट कर दिए थे, तो आप लोग किस तरह से बनाते हैं बताइएगा, मैं तो बस यही है सिंपल तरीका, इसी तरह से बनाती हूँ। और इस तरह से इसको बस ये है कि अच्छे तरह से बंद कर दे, हवा ना जाए, मतलब हवा ना हो अंदर, तब फटते नहीं है हमारे पराठे ना, तो ये बहुत ही ईजीली इस तरह से मिल जाते हैं। और बस इस तरह फिर गरम गरम पराठे खाइए, बारिश का मौसम हो और पराठों का आनंद हो तो फिर और क्या ही चाहिए होता है, मतलब पनीर के पराठे और या आलू के पराठे, प्याज के, गोभी के, मतलब इस तरह के पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं, और बच्चे भी जो है इसी बहाने वेजिटेबल्स खा ही लेते हैं। तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट मिल के। चलिए फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट करने के लिए आप लोग भी आ जाइए, ये सिया का ब्रेकफास्ट है और ये मेरा ब्रेकफास्ट है, तो साथ में हमने बना लिया है दही भी, तो आप लोग भी आ जाइए ब्रेकफास्ट करने के लिए बारिश वाले मौसम में, गरम गरम आलू के पराठे और बहुत ही यम्मी हो रहा है, टेस्टी हो रहा है।
चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं मिलके। और जब भी ब्रेकफास्ट करने बैठे, खाना खाने बैठे या कुछ भी करने, मतलब बच्चों के साथ बैठे, तो उनसे बातें किया कीजिए। मतलब स्कूल में उनसे उनके साथ क्या होता है, घर में क्या होता है, या बाहर कहीं भी वो जाते हैं तो क्या, मतलब आजकल देखिए बच्चों के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। हमें मोबाइल ने जहाँ बहुत सारी सुविधाएँ दी है, वहीं मोबाइल ने हमें एक दूसरे से दूर भी कर दिया है। तो ये हो चुका है ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में सफाई करने के लिए। और देखिए आप लोगों को सबको ही पता होगा कि किचन में जो हमारे बेलन चकला होता है, इनको डेली धोना होता है। कई घरों में मैंने देखा है कि जब तक बेलन में पूरा आटा न लग जाए तब तक धोते नहीं है, कई घर मैंने ऐसे भी देख रखे हैं। और तवा को जो है हमेशा अलग से धोया कीजिए। बेलन चकला और तवा को कभी भी जूठे में नहीं रखना होता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि इनमें लक्ष्मी गणेश का वास होता है। तो देखिए आगे आप लोगों की इच्छा है, मतलब जो मुझे पता है वो बताना मेरा फ़र्ज़ है। और उसके बाद बर्तन सारे हो चुके हैं और मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। किचन मतलब ये गैस वैस सब साफ़ कर देती हूँ तभी अच्छा लगता है, वरना ऐसे बैठने का दिल भी नहीं लगता जब तक किचन पूरा साफ़ ना हो। और जब भी किचन अपना साफ़ करे तो चीज़ें हटा हटा के साफ़ करे। और आजकल तो बरसात में खास करके ज़्यादा सफाई रखना ज़रूरी होता है, जहाँ की कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको पता ही होगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारा काम सब खत्म हो गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया, बर्तन कर लिए मैंने, और किचन का भी सारा सामान, मतलब किचन साफ़ हो गया। मौसम अभी थोड़ा सा मतलब ठीक हुआ है, ठीक यानी कि बारिश रुकी है। क्लाउड तो वैसे ही है, ये देखिए आप, क्लाउडी तो वैसे ही है, बारिश रुकी है। तो मैं और मम्मी थोड़ा दुकान जा रहे हैं, थोड़ा काम है, तो उसी वजह से हम लोग थोड़ा दुकान तो हमारे घर के पास ही आप लोगों को पता है, तो थोड़ा सा मार्केट एरिया में जाना है, थोड़ा आगे जाएंगे। तो आप लोगों को भी अपने साथ हम लोग अपने मार्केट एरिया लेके चलते हैं, थोड़ा आगे वाली साइड जहाँ पे अतुल भैया की शॉप है उस साइड जाएंगे आज। और देखिए ग्रीनरी कितनी हो रखी है, यहाँ सामने देख रही हूँ मैं, माई जी लोग के घर में भी कितनी ग्रीनरी हो रखी है, देखिए ये देखिए सब ग्रीन ग्रीन, कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर लगा रहा है। चलिए तो चलते हैं हम लोग। और ये पहुँच गए हम लोग मार्केट में, और ये शर्मा जी की जनरल, मतलब शर्मा जनरल स्टोर है। और यहाँ से मम्मी टॉफिस ले रही थी, जो कपड़ों की शॉप है वहाँ पर भैया लोग काम करते हैं तो उनको मम्मी टॉफिस देती है। और ये ज्वेलरी शॉप में एक्वेरियम रखा हुआ था जो कि बहुत ही सुंदर रख लग रहा था। अच्छी अच्छी कुर्तियाँ रखी यहाँ पे, देखिए बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत पसंद आई है कुर्तीज़। और हम लोग दुकान से आ गए हैं और ये मम्मी पीछे पीछे आ रही हैं, और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। ऐसे तो हम लोग अम्ब्रेला लेके गए थे लेकिन जो है बारिश नहीं हुई, चलो ये तो अच्छी बात है। थोड़ी हल्की धूप सी आ गई है, धूप तो क्या, थोड़ा गर्म गर्म, लेकिन बारिश शुरू हो गई है। और हम पहुँच गए हैं घर, आप लोग पहचान ही गए होंगे। और सिया बता रही थी कि पंकज भी आ गए हैं स्कूल से, क्योंकि बच्चों की तो छुट्टी है, दो तीन दिन से बच्चों की छुट्टी है, तो लेकिन टीचर्स को तो बुलाते हैं स्कूल वाले। तो चलिए हम घर में चलते हैं प्रवेश। तो पंकज के लिए यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक रही थी, और मतलब उनको मैंने कहा था कि आलू के पराठे बना देती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि बस घी डाल के और सब्जी के साथ में दे दो, तो बस ये दो ही चपाती खाएंगे ये, तो इनको मैं खाना दे देती हूँ। फिर उसके बाद इनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो ये चले जाएँगे अपने ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और सिया भी पढ़ने चली जाएगी। ये लोग जब पढ़ने चले आते हैं उसके बाद तब मैं जो है फ्री होकर आराम से अपना टी वी देखती हूँ। तो एक सीरीज़ आ रही है, ये मैं वही देख रही थी, काफ़ी अच्छी सीरीज़ आती है, मज़ेदार होती है, थोड़ी फाइट वाइट होती वाली होती है, लेकिन अलग अलग तरीके की होती है। और अभी मैंने थोड़ी देर के लिए जो है अपनी जब मैं सीरीज़ देख रही थी वो रोक दिया है। और यहाँ पे पंकज के लिए चाय, और जो दूसरे टीचर हैं उनके लिए पानी बना दिया है, वो चाय नहीं पीते हैं, तो एक चाय एक पानी, और थोड़ी सी चाय जो है मैं अपने लिए भी निकाल लूँगी, तो मैं भी चाय पी लेती हूँ। चलिए उन लोगों को देख के आते हैं चाय। और इन लोगों को चाय दे दिया मैंने, और वो सर को पानी, और मैं इतने बनाने लगी तब तक मेरा टीवी भी जो है बंद हो चुका है। तो मैंने सोचा मैं कीप लेके आई थी, कल मम्मी ने चूड़ियाँ मंगाई थी तो मैं कीप लेके आई थी, मैं सोचा थोड़े से चांद वांद मैं भी बना ली थी, ज़्यादा डिज़ाइन आता नहीं मुझे, तो वो चांद वाला डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है, तो वही मेहंदी लगा लेती हूँ मैं,
देखती हूँ मेरी स्टूडेंट आती है एक नंदनी, उसे अगर टाइम होगा तो उसे बोलूँगी। वो खूब अच्छी मेहंदी लगा देती है, बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। मगर इवन मतलब मैंने अपनी सिस्टर की शादी में उसी से मेहंदी लगवाई थी, मतलब मेहंदी भैया ने लगा दिया था, लेकिन लोग होते तो वो लोग तो आपको पता ही है कैसे शॉर्टकट में लगाते। तो मैंने नंदिनी से पीछे की डिज़ाइन उसी से बनवाए थे और बहुत सुंदर मेहंदी लगाती थी। यहाँ तक कि मैंने करवा चौथ तीज में भी उसी से मेहंदी लगाई थी। इस बार अगर होगा ऐसा कुछ तो मैं वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है वो। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ और अपना सीरीज़ का आनंद देखती हूँ। और आप इस टाइम अपने फ्री टाइम में आप लोग क्या करते हैं, मतलब जो मी टाइम होता है, मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं अपने मी टाइम में, ठीक है, पक्का बताना मुझे। तो ये मैंने नेक्स्ट एक ही मूवी सी लगाई थी, थ्री पार्ट्स वाली ये कोई मूवी थी तो लगाई थी, मतलब हल्की फुल्की सी स्टोरीज थी तो अच्छा लग रहा था। कभी कभी इस तरह की हल्की फुल्की स्टोरी भी देखनी चाहिए टाइम पास के लिए, अच्छा लगता है। और जी हो गया मी टाइम ख़त्म और ट्यूशन का टाइम हो गया, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले उठ के बेड वेड ठीक कर लेती हूँ, ये बेड सही कर लेती हूँ, रूम ठीक कर देती हूँ, उसके बाद चेंज करूँगी, फिर ट्यूशन मतलब पढ़ाने चली जाऊँगी। क्योंकि ऊपर के सारे कमरे जो है मतलब तीनों रूम्स एंगेज रहते हैं, तो मैं नीचे ड्राइंग रूम में पढ़ा लेती हूँ। और कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स भी मिलने आते हैं, और पहले मैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल यानी कि फर्स्ट टू सिक्स सेवन तक पढ़ाती थी, लेकिन अब मैंने वो छोटे वाले बच्चे बिल्कुल पढ़ाना छोड़ दिया है। और मेरा स्टूडेंट आ चुका है अभी, और ट्यूशन मेरी शुरू हो चुकी है अभी। ये मेरे इलेवंथ वाले बच्चे यहाँ रखा है, बाकी बच्चे अभी आए नहीं, वो आएंगे तो वहाँ पर बैठेंगे, बाकी सीट्स वहाँ पर लगी हुई है। तो अभी ये पढ़ाई कर रहा है, और इस टाइम मैं आ जाती हूँ किचन में अपना काम करने के लिए। तो चाय के बर्तन सब मैंने यहाँ धो लिए हैं, दूध बॉयल हो रहा है साथ में। तो जी हो चुका है ट्यूशन ओवर और किचन में आके काम शुरू। मतलब लेडीज़ का ये होता है कि हमको मल्टीटास्किंग ही होना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने मलाई निकाली है, अभी मैंने सुबह आपको बोला था कि मक्खन बनाना है, घी निकाला है, वो कुछ नहीं बना है। तो आज दिन में भी रोटी खाई थी, सुबह भी रोटी खाई थी, ब्रेकफास्ट में भी, तो सोची हूँ आज थोड़ा दाल चावल और आलू की भुजी बना लेते हैं और लहसुन से धो है दाल छान लेंगे। और बाहर मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है कि अभी सूर्यदेव आ गए हैं, तो यहाँ पे देखिए अब मैं चले आती हूँ पूजा करने के लिए। तो ये हो गई है मेरी संध्याकालीन पूजा भी समाप्त, इसके बाद मैं नीचे चली जाऊँगी और फिर डिनर बनेगा। तो पूजा जब भी करते हैं ना आप लोग, तो घंटी ज़रूर बजाइएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और आज मैं बना रही हूँ मतलब बहुत ही कम में तेल में सब्जी, बहुत कम, यानी कि मैं पहले थे ना इससे बहुत ज़्यादा लिया करती थी, लेकिन थोड़ी देर पहले मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो उनके हस्बैंड को ना हार्ट अटैक आया था, तो वो मुझे बता रही थी कि मतलब थोड़ा ऑयल वॉयल कम खाना है, सब कम खाना। तो भाई जब कोई अच्छी बात बोलता है तो उसे ज़रूर मान लेना चाहिए। तो मैंने कम तेल में ही जो है ये आलू की भुर्जी में बना रही हूँ, और आलू की भुर्जी कैसे बनाना है ये तो मैं क्या ही आप लोगों को बताऊँ, सबको ही आता है। और बस बेसिक मसाले इसमें हल्के पलटे पड़ते हैं और थोड़ी देर फ्राई करना होता है बिल्कुल धीमी मध्यम आँच में। और इसको आप भुजिया के मतलब आलू की भुजिया को आप दाल चावल के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये बन लग चुका है हमारा खाना, आ चुके हैं पंकज, तो इनका खाना लगा दिया है, इनको खाना दे देते हैं हम। और सिया को मेरे साथ ही खाना है आज, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, तो मैं अपने साथ ही उसको खाना खिला दूंगी। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक का था, ये आज का ब्लॉग मैं अभी यहीं ख़त्म करती हूँ। टाइम हो रहा है, मैं आपको एक बार टाइम दिखा देती हूँ, 10:30 टाइम हो गया है, मेरा काम सब खत्म हो गया है, मैंने किचन भी साफ़ कर लिया और बर्तन वर्तन भी सब हो गए। तो अब मैं ड्रॉर कर दूंगी क्लोज और आप लोगों को भी भेज देते हैं घर। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, टिल देन टाटा बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय।